अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और डीजीपी को यूज़ करते हैं, तो डीजीपी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, सो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज शो हो रहा है, जहाँ बताया गया है नाउ आस्क वीएलई टू इंस्टॉल डेस्कटॉप वर्जन 6.6 एंड एंड्रॉयड 6.8। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है सभी वीएलई ध्यान दें, डीजीपी का वर्जन अपडेट किया गया है लैपटॉप या डेस्कटॉप के 6.6 और एंड्रॉयड वर्जन 6.8 है। तो कृपया सभी वीएलई को सूचना दे दें कि आप जो है इस लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए जो लिंक है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप सभी को जो है, अगर आप लैपटॉप में डीजीपी यूज करते हैं, तो लैपटॉप में और डेस्कटॉप में डीजीपी यूज करने के लिए आपको 6.6 डीजीपी को इंस्टॉल करना है, और अगर मोबाइल फोन में आप डीजीपी चलाते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं, तो आपको एंड्रॉयड वर्जन में जो है 6.8 का जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है डीजीपी का, ठीक है। या आप अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो वहां से भी आप अपने डीजीपी को जो है अपडेट कर सकते हैं, 6.8 हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट है डीजीपी को लेकर, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताने की कष्ट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो और लोगों को भी पहुँचा देना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।